भारत के जनवादी नौजवान सभा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 2 से 3 अप्रैल तक जिला मंडी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर से युवा इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में भारत की जनवादी नौजवान सभा आगामी रणनीति भी तैयार करेगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा मौजूद है। भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFA का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो जिला मंडी के अंदर 2 और 3 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से जो युवा है, हर जिले से युवा एकत्रित होंगे। जिस तरह से आप मौजूदा समय के अंदर देख सकते हैं, लगातार प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 14 लाख से ज्यादा बेरोजगार जो है प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं। कोई स्थायी पॉलिसी फिलहाल जो है रोजगार को लेकर सरकार की नहीं है। ठेके पर नौकरियां दी जा रही हैं, आउटसोर्स पर नौकरियां दी जा रही हैं। ये मुद्दा जो है अहम मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं कि बढ़ती महंगाई है और प्रदेश के अंदर भी लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अनेकों अनेक ऐसे प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर भी हम वहां पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ संगठन को आगे किस तरीके से हम लेके जाना है और हमारी क्या जो भूमिका आगे बेरोजगारी को लेकर अहम मुद्दे को लेकर जो रहेगी, और उससे कि पूरे प्रदेश भर में हम किस तरह से एक अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, तो पूरी रणनीति उस प्रशिक्षण शिविर के अंदर तैयार की जाएगी। कितना युवा वर्ग वहाँ शामिल होगा उस प्रशिक्षण शिविर में? देखिए, पूरे प्रदेश भर से जो युवा है वो अलग अलग जगह से, अलग अलग वहाँ पर संख्या रखी गई है। हालांकि जो है वहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा लोग जो है वहाँ पर एकत्रित होंगे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड जो है लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद पूरी रूपरेखा जो वहाँ से तय की जाएगी, उसके बाद हर जिला के अंदर अपने आंदोलन को तेज करते हुए एक व्यापक आंदोलन हम जो है प्रदेश के अंदर इस बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा करेंगे।